डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। माई डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 नवंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है, एंड इसीलिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सारा लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस में डालने वाले हैं। सो माई डियर फ्रेंड्स, आज हमारा ये पहला लेक्चर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो हम इंट्रोडक्शन जस्ट कवर करेंगे। माई डियर फ्रेंड्स, जब हम लिखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो इसमें स्टैंडर्ड का मतलब जानना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड मींस प्री डिटर्मिनेशन। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले एक कंपनी प्री डिटरमाइन करता है कि उसका मटेरियल कितना लगने वाला है, उसका लेबर कितना लगने वाला है, एंड उसका ओवरहेड कितना लगने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही एक कंपनी अपना सेल्स करने से पहले ये प्री डिटरमाइन करता है कि मेरा इतना क्वांटिटी का सेल होने वाला है, मेरा डिमांड इतना है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी को हम प्री डिटरमिनेशन बोलते हैं। अब कॉस्टिंग में बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स तीन टर्म्स होते हैं, एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड बजट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोगों को स्टैंडर्ड एंड बजट सेम लगता है, एंड इसलिए वो इंटरचेंज इन दोनों को वर्ड्स को यूज करते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बजट एंड स्टैंडर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, बजट इज एस्टिमेशन, हम इसे फोरकास्ट भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स प्री डिटरमाइन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझें, तो एक कंपनी है, वो ये बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा टोटल प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स, यानी कि हमने फोरकास्ट किया है अपने प्रोडक्शन को, एंड हमारा फोरकास्ट प्रोडक्शन कितना है 10,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ एस्टिमेट करना, ये हुआ एस्टिमेट करना। सो हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे 10,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी स्टैंडर्ड का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कंपनी ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारा 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने जा रहा है, दिस इज बजटेड। माय डियर फ्रेंड्स, अब कंपनी बोल रहा है कि फर्स्ट लॉट में 2,500 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट लॉट में हम 2,500 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 2,500 यूनिट्स जो है, दिस इज माय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लॉट अब कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली कंपनी जो है वो प्री डिटरमाइन कर रहे हैं, बिफोर द प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट वो प्री डिटरमाइन कर रहा है कि हमारा इस प्रोडक्शन प्रोसेस से फर्स्ट लॉट में 2,500 यूनिट्स का माल बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड प्रोसेस के एंड में हमें पता चला कि हमारा 2,200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, दिस इज एक्चुअल। सो एक्चुअल जो होता है माय डियर फ्रेंड, वो हमेशा प्रोसेस एंड होने के बाद एक्चुअल रिजल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है हमारा एक्चुअल। स्टैंडर्ड, कोई भी प्रोसेस से स्टार्ट होने से पहले, प्रोसेस से स्टार्ट होने से पहले जो हम प्री डिटरमाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, एंड कंपनी जो चीज एस्टिमेट करता है उसे हम बोलते हैं बजटेड। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस से देखें, तो अगर कंपनी ये बोल रहा है कि पूरे साल भर में मेरी कंपनी इस साल 50 लाख का प्रॉफिट अर्न करने वाली है, दिस इज बजटेड। कंपनी का जब ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, कंपनी अपने ऑपरेशन देख के एक प्री डिटरमाइन कर रहा है अपना प्रॉफिट को कि भाई हमारा प्रॉफिट 50 लाख नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट
40 लाख में आके सीमित हो जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड। एंड जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तब हम कंपनी को बोलते हैं कि भाई कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है दैट इज 42 लाख। सो इन दिस केस 50 लाख जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में एस्टिमेट किया, फोरकास्ट किया, दैट इज बजटेड। जो ड्यूरिंग द ईयर जो ऑपरेशंस जो हो रहा है कंपनी को, उस ऑपरेशंस को देखते हुए कंपनी जो प्री डिटरमाइन कर रहा है अपने प्रॉफिट को, दैट इज स्टैंडर्ड। एंड फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो एक्चुअल फिगर निकल के आ रहा है कंपनी का, वो है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर थ्री टर्म्स, मैंने तीनों टर्म्स का मतलब बता दिया, एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड बजट। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड और बजट को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्री डिटर्मिनेशन एंड बजटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यह बोलते हैं कि आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल, इस फ्रेज को हमेशा ध्यान में रखना है। व्हाट डस इट मीन? इट सिंपली मीन्स माय डियर फ्रेंड दैट स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल, हम स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी हम स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल हम जब करेंगे, इसे हम वेरियंस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? वेरियंस। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टर्म वेरियंस है, ये एक इंग्लिश टर्म से आया है, वेरी। हम जानते हैं वेरी मतलब कि कोई चीज को वेरी करना। हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई स्टैंडर्ड अगर 100 है तो एक्चुअल अगर 80 है तो मेरा वेरियंस कितना निकल के आया? 20। यानी कि 20 रुपए से स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आपस में वैरी कर रहा। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो पूरे कॉस्टिंग में हर जगह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल चैप्टर, लेबर, ओवरहेड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, हर जगह स्टैंडर्ड है माय डियर फ्रेंड्स। अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली वेरियंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। वन इज कॉस्ट वेरियंस, अगर हम कॉस्ट वेरियंस का बात करें माय डियर फ्रेंड्स, सो कॉस्ट वेरियंस में सबसे पहले हम देखेंगे मटेरियल वेरियंस। इसका डिटेलिंग में हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल वेरियंस। सेकंड हम देखेंगे लेबर वेरियंस। माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड हम ओवरहेड वेरियंस को माय डियर फ्रेंड्स दो पार्ट में देखेंगे। वन विल बी वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस एंड अदर वन फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस। सो ये चार वेरियंस हम स्टडी करेंगे अंडर कॉस्ट वेरियंस। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रेवेन्यू वेरियंस भी देखेंगे। रेवेन्यू वेरियंस में हम सेल वेरियंस देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका कॉस्ट वेरियंस भी है एंड आपका सेल वेरियंस भी है। सेल वेरियंस मतलब रेवेन्यू वेरियंस। हर एक वेरियंस को हम डिटेल में देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट लेक्चर से। बट अभी तक यह चीज ध्यान दीजिएगा कि तीन टर्म्स होते हैं अपने कॉस्टिंग में, जो मैंने आज बताया आपको, स्टैंडर्ड, बजटेड एंड एक्चुअल। हमने यह भी बताया कि स्टैंडर्ड को हम हमेशा कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ। ये चीज कभी मत भूलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। वेरियंस का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम वेरियंस का बात करें तो वेरियंस हमारा दो प्रकार का होता है। वन विल बी फेवरेबल वेरियंस एंड अदर वन
एडवर्स वेरियंस. माय डियर फ्रेंड्स, फेवरेबल एंड एडवर्स ये दोनों ही हम कॉस्ट वेरियंस के लिए अलग से डिफाइन करेंगे एंड रेवेन्यू वेरियंस के लिए अलग से डिफाइन करेंगे. ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम कॉस्ट वेरियंस का बात करें, सो माय डियर फ्रेंड्स कॉस्ट वेरियंस में करना तो अपने को स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही है. दिस इज माय वेरियंस, बट माय डियर फ्रेंड्स हम फेवरेबल कब बोलेंगे? माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरा 100 रुपया और एक्चुअल कॉस्ट मेरा 80 लगा, व्हाट डस इट मींस? इट सिंपली मींस कि कंपनी को 20 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि कंपनी ने कॉस्ट सेव किया, यानी कि कंपनी का फेवरेबल पोजीशन है. सो माय डियर फ्रेंड्स अगर हम फेवरेबल का बात करें तो इस केस में एक्चुअल जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा स्टैंडर्ड से, और ये कंपनी को सेविंग इन कॉस्ट देगा, कंपनी का कॉस्ट सेव होगा. माय डियर फ्रेंड्स एडवर्स के केस में हम ये बोल रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरा 100 रुपया था, एक्चुअल कॉस्ट मेरा 130 रुपया लगा, यानी कि 30 रुपए ज्यादा लगा, यानी कि 30 रुपए कंपनी का नुकसान है, एंड दिस इज एडवर्स वेरियंस. सो इन दिस केस एक्चुअल इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड एंड ये कंपनी के लिए लॉस इन कॉस्ट. माय डियर फ्रेंड्स अगर हम रेवेन्यू वेरियंस का बात करें, अगेन रेवेन्यू वेरियंस में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर देते हैं. नो माय डियर फ्रेंड्स कभी भी मत कीजिएगा. ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरियंस वर्ड जब भी आप यूज करोगे तो वहां पर हमेशा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होगा. क्लियर है? अब आइए इस केस में हम फेवरेबल और एडवर्स कब बोलेंगे. सपोज कीजिए मेरा स्टैंडर्ड रेवेन्यू 100 रुपए है और एक्चुअल में मेरे को 150 रुपीज का रेवेन्यू आया. इट सिंपली शोज कि कंपनी का फेवरेबल पोजीशन है, कंपनी का इंक्रीज इन रेवेन्यू है. सो इस केस में अगर मेरा एक्चुअल जो है वो अगर ग्रेटर रहा स्टैंडर्ड से, सो इट सिंपली मींस मेरा इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड दिस इज फेवरेबल पोजीशन. एडवर्स इसका ठीक उल्टा माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअल लेस देन स्टैंडर्ड एंड दिस इज लॉस इन रेवेन्यू. सो माय डियर फ्रेंड्स वेरियंस भी हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एडवर्स एंड फेवरेबल. फेवरेबल एंड एडवर्स को हम पहले कॉस्ट वेरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किए एंड देन वी हैव डिफाइन इट एज पर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू. सो माय डियर फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड का डेफिनेशन देखा, बजटेड का डेफिनेशन देखा, एक्चुअल का डेफिनेशन देखा. हमने देखा कि कॉस्ट वेरियंस में चार डिफरेंट टाइप्स के वेरियंसेस को हमें स्टडी करना है, रेवेन्यू वेरियंस में हमें सिर्फ सेल वेरियंस को स्टडी करना है. हमने देखा कि भाई वेरियंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. एंड वेरियंस को हम लोग पहले कॉस्ट वेरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किए, फिर हमने रेवेन्यू वेरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया. सो माय डियर फ्रेंड्स ये था हमारा पहला लेक्चर ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. नेक्स्ट लेक्चर से हम एक इंडिविजुअल वेरियंस के पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो पहला जो वेरियंस होगा हमारा वो होगा मटेरियल वेरियंस. माय डियर फ्रेंड्स विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस. थैंक यू.